अस्सलाम वालेकुम, मैं तो बस दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिक्शे वाला। आज की करते हैं मज़ेदार वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली व्यूअर पहुंच चुके हैं अपने पंप पे। आज लोग लेट शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल आपको दिखाते हैं जो कल आपने वीडियो देखी है ना, उस वीडियो में आपको दिखाते हैं जो कल गाड़ी जल गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मरम्मत वगैरह शुरू कर दी है और आपको दिखाते हैं वो गाड़ी। चले फाइनली व्यूअर जा रहे हैं अब, गर्फ़तारी का टाइम होने वाला और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आपको सुर्खी नुमा नज़र आ रही है ना, सूरज रूप होने लगा और अल्हम्दुलिल्लाह अब तारीख का टाइम बिल्कुल नज़दीक आ गया और अभी वापस जा रहे हैं घर खाली और इंशाल्लाह ताला घर पहुंच के फिर आपको दिखाते हैं। वैसे ना भाई आज रमज़ान मुबारक का माशाल्लाह सातवां रोज़ा, लेकिन सातवां रोज़ा बहुत ही गर्म था और सातवां रोज़ा माशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है ना उसे भी खैर करें। आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और आपको देखना होगा माशाल्लाह शाम का टाइम है कितना प्यारा वो नज़र आ रहा है। वो सामने फ्रूट चाट है अरे आज दूर जानवर है और ये सामने नर्सरी वगैरह है, वो सामने पता नहीं किस चीज़ का बोल रहा है, वो सामने नज़र आ रही है ना माशाल्लाह मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच के फिर आपको जाते हैं और अफ्तारी की तैयारी करते हैं घर जाके। आज रमज़ान मुबारक का सातवां रोज़ा तो था, लेकिन सातवें रोज़े ने बस करवा दी। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अल्लाह ताला ख्याल करे कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जितना आपको बोला गया हमारे रमज़ान का सातवां रोज़ा बहुत ही ज़्यादा गर्म था। पहले भी फिर घर पहुँच के फिर आपको दिखाते हैं माशाल्लाह पैसे चौंक में आ गए ऐसा जा रहे हैं, पता नहीं कौन है, सामने स्टॉल लगे हुए हैं। अभी अपने रोड की तरफ रवाना हो गए हैं, इंशाल्लाह ताला घर पहुँचने के बाद में फिर आपको दिखाते हैं बाकी का। ये सामने सुर्खी वहाँ फैली हुई है, सूरज नज़र आ रहा है वो सामने देखें किसी को कितनी कितनी ज़्यादा तेज का शुआई निकल रही है सूरज की। सूरज तो नज़र नहीं आया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सूरज का ग्रुप होने का टाइम नज़दीक है बिल्कुल और अफ्तारी का भी आपको जैसे कि पता है अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी का टाइम हो गया। चले घर पहुँच के फिर आपको दिखाते हैं। फाइनली वो पहुँच चुके हैं अपने पेट्रोल पंप पे, वो सामने हमारे सिक्योरिटी गार्ड भाई खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा रिक्शा खड़ा, रिक्शा लगा दिया बिल्कुल अपने साइड पर और अब चलते हैं घर की तरफ। लेकिन याद है आपको वो गाड़ी दिखा दी जो कल जलस गई ना, आग लग गई थी जिस गाड़ी के, वो ये गाड़ी है। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा क्या, ये देखें ये वही गाड़ी है जिसको कल आग लगी थी ना। ये देखें ये भाई साहब मैकेनिक वगैरह आए हुए हैं, इसे डेंटर पेंटर में से ठीक कर रहे हैं। चलें इन इनसे पूछते हैं भाई आग कैसे लगी थी, इनके पास पहुंच के फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए अभी इसकी मरम्मत जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए ये जो कल सीटें वगैरह में जली थी अल्लाह ताला ने ड्राइवर को दोबारा ज़िंदगी दी है। ये देखिए ये सारा सामान गाड़ी का ही पड़ा हुआ है। आपको उस तरफ जाके दिखाते हैं। ये गाड़ी का फ्रंट साइड सामने ये देखें बिल्कुल स्क्रीन वगैरह सारा हर चीज़ जल गई है। ये देखें आपको कोई चीज़ भी नज़र इसकी सही सलामत नहीं आ रही, लेकिन सब कुछ इसका जल गया है। ये देखिए डैशबोर्ड पड़ा हुआ है गाड़ी का, आपको गाड़ी के ऑनर से भी मिलवाते हैं। ये देखें कल आपको शायद सही तरीके नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि इसको आग लगी हुई थी ना, इसलिए ये टायरों तक आग जल गई। आपको कैबिन के अंदर से दिखाते हैं। ये देखें फाइनली व्यूअर ये देखें पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं और जा रहे हैं अपने घर, इंशाल्लाह ताला घर पहुँच के आपको दिखाते हैं। चलिए आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चाचा लोगों ने लकड़ का भी कारोबार है, ये आज आपसे पूछते हैं व्यूअर जिन जिनको पता ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये किस चीज़ की लकड़ी है, आपको दिखाते हैं। चलिए लकड़ी के पास पहुँच के आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह ताला, जब पहुँचते हैं फिर आपको दिखाते हैं ये किस चीज़ की लकड़ी है। ये बहुत ही महंगी और बहुत ही ज़्यादा इसका ये फर्नीचर में इस्तेमाल होती है, इसका फर्नीचर तकरीबन लाखों में सेल होता है जिस चीज़ की ये लकड़ी है। इंशाल्लाह ताला आपको उसके नज़दीक जाकर फिर आपको दिखाते हैं। फाइनली व्यूअर पहुँच चुके हैं अपनी ट्राली के पास और अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखाते हैं ये देखिए किस चीज़ की लकड़ी है। जिन जिन व्यूअरों को पता है ना वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये किस चीज़ की लकड़ है। ये देखें ये पड़ी हुई है माशाल्लाह, इसका कलर है मैक्सिमम इसका रेट है एक मन का तकरीबन 2000 2500 रुपये ये मन लकड़ी है, लकड़ का रेट है। ये जो इतना सा आपको पीस नज़र आ रहा है ना ये इसके ऊपर पड़ा हुआ है, ये मैक्सिमम 2 से 2.5 लाख रुपए का ये पीस है। ये देखिए कितनी महंगी है, ये बहुत महंगी लकड़ है। इसको शीशम कहते हैं, शीशम उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, आपको पंजाबी ज़बान में बताता हूँ ये टाली है, इसे काली टाली कहते हैं, ये रंग वाली है यानी कि ये फर्नीचर में इस्तेमाल होती है, इसका फर्नीचर लाखों में सेल होता है। ये देखें माशाल्लाह ये ट्रैक्टर भी चाह चुका है हमारा नहीं है, मेरे पास भी अपना ट्राली ट्रैक्टर था लेकिन मैंने सेल कर दिया। कुछ आपको पता
काफ़ी मजबूरी वगैरह इंसान को होती है, तो मजबूरी तो इसलिए वो सेल करना पड़ गया। तो अभी तो मेरे पास सिर्फ एक रिक्शा ही है, तो इंशाल्लाह ताला ये देखें कितनी ज़बरदस्त। आपको उस तरफ जाते हैं दिखाते हैं इसका मोड़ वगैरह। फाइनली व्यूअर ये इसकी दूसरी साइड है, ये जड़ें वगैरह हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं, ये देखें। और ये ट्रैक्टर वगैरह जा रहा और जा रहे हैं अपने घर। इंशाल्लाह ताला अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है, ताकि अफ्तारी करते हैं, फिर अफ्तारी करने के बाद फिर आपको मिलते हैं। फाइनली व्यूअर पहुँचने वाले हैं घर, इंशाल्लाह ताला घर पहुँच के आपको दिखाते हैं। लेकिन व्यूअर आज आपको एक बात बताएं, आज अस्तगफिरुल्लाह बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, माह रमज़ानुल मुबारक का सातवां रोज़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह सातवां रोज़ा इतना गर्म था कि ज़िंदगी में नहीं कभी सोचा हुआ इतना इतनी गर्मी होगी। लेकिन अपनी हसीियत से बाहर गर्मी थी आज, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ना दिल करता है कपड़े वगैरह उतार दें, इतनी गर्मी है अभी भी महसूस हो रही है। तो आज लिहाजा बहुत मेहनत थी, सांस फूलना शुरू हो गया। वो रहा सामने हमारा घर बिलू गेट वाला, इंशाल्लाह ताला घर पहुंच के बाद फिर आपसे बात करते हैं। सांस चढ़ गया, आए ओए। चले भी घर पहुंच रहे हैं इंशाल्लाह ताला, जैसे घर पहुँचते फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए क्या नाम है आपका? फरहान, रेहान। रेहान भाई मुस्करा रहे भाई, वीडियो बना रहा है। वो टूटा सा मोटरसाइकिल जा रहा है, बिल्कुल टूटा हुआ है, जिसे कहते हैं बंजर। फाइनली व्यूअर ये देखें पहुँच चुके हैं अपने घर, इंशाल्लाह ताला घर पहुँच के बाद में आपको दिखाते हैं क्या होता है, अफ्तारी करके फिर आपको मिलेंगे। फाइनली व्यूअर पहुँचे हैं घर, तो घर भी एलईडी पे व्लॉग चल रहा है, अफ्तारी का टाइम हो रहा है, उनको अपने व्लॉग की पड़ी हुई है। ये देखें सामने एलईडी पे व्लॉग चल रहा है, वो पीछे सुनाना तो है नहीं था। ये देखें बड़ी स्पीड है इसे अफ्तारी करने की, अफ्तारी कर रही है कि पता नहीं सहरी कर रही है। ये देखें पहुंचे थे माड़ में, माज पे तो वीडियो बनाने नहीं थी, वो कह रहे वीडियो अलाउ नहीं है। तो ये देखें माशाल्लाह सामान वगैरह ले रही है काफ़ी, और जा रहे हैं अपने घर की तरफ। घर पहुंच के फिर आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी घर का सामान छोटा छोटा लेने वाला था, तो वो ले लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं घर, और घर पहुँच के फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह ताला आगे का मंदिर क्या है। इंशाल्लाह ताला घर पहुँच गए, काफ़ी सामान ले लेना था छोटे बेबी का। फाइनली व्यूअर पहुँच चुके हैं घर, और आपको दिखाते हैं सामान, और आपको दिखाते हैं ये भी दिखाते हैं कि अंदर एलईडी पे ना अब्दुल मलिक फरीद यूट्यूबर है माशाल्लाह, बहुत अच्छे, और सऊदी अरब के हैं वो, उनका व्लॉग भी चल रहा है, अगर आपने देखना तो आपको दिखाते हैं। चले इंशाल्लाह ताला अंदर जाके आपको दिखाते हैं, जा रहे हैं अंदर दिखाते हैं आपको। फाइनली व्यूअर पहुंच चुके हैं अपने कमरे में, और ये अब्दुल मलिक फरीद हैं भाई, आपको दिखाते हैं जब आगे आते हैं ना। ये अफ्तारी का उन्होंने आज ही व्लॉग अपना बना के इनके अपलोड किया है। अब्दुल मलिक फरीद आपको बताते हैं कौन से हैं, ये देखिए ये अब्दुल मलिक फरीद हैं जिन्होंने चश्मा लगाया हुआ है ना, ये अब्दुल मलिक फरीद हैं। ये माशाल्लाह बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं, ये सऊदी अरबिया के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह है पाकिस्तानी लेकिन इनकी रिहाई सऊदी अरब में है। अब्दुल मलिक फरीद के नाम से इनका चैनल है, ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और बड़े ज़बरदस्त व्लॉग बनाते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह 40 इंच की एंड्राइड एलईडी है, जिसके ऊपर ये व्लॉग ऑलरेडी चल रहा है, नेट लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही टैलेंट और बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेट इंसान है। फाइनली व्यूअर आज माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान मुबारक का सातवां रोज़ा था, और आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, ये आपको नज़र आ रही है। ये देखिए अभी मुझे पसीना आ गया, थोड़ा सा बाहर पैदल चल के आया हूँ, मार्ट पे गया था घर के छोटे छोटे सामान लेना था, वो लेके आया हूँ। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आज इतनी गर्मी थी कि आपको क्या बताएं, मैक्सिमम 35 सेंटीग्रेड गर्मी का दर्जा हरारत था, इतना फुल गर्मी में होता है। अभी गर्मी स्टार्ट हो रही है, तो अभी इतनी गर्मी है, ऊपर से माह रमज़ान अल मुबारक के रोज़े हैं, तो इंशाल्लाह ताला अभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी, लेकिन उसके बावजूद ही बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है, आज बहुत गर्मी थी। तो चले यहाँ करते हैं व्लॉग का एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल लाइक को दबाने को ना भूलेंगे, तब तक ताकि आप तक अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो फिलहाल यहाँ करते हैं व्लॉग का एंड, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अजान भी होने लगी है, वाह।